बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास सिक्स टर्म टू के चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट अस टेक फर्स्ट चैप्टर, मींस चैप्टर नंबर 11, लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन। हम जस्ट एक ओवरव्यू लेंगे, पूरा डिटेल से स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसमें बहुत सारे इस वीडियो में बहुत सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो शैल वी स्टार्ट? ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सो व्हाट डू यू मीन बाय ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होंगे? जिनकी ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट होगी, जैसे सनलाइट हुआ, या फिर क्या है, बल्ब हुआ, या टॉर्च का बटन जब आप ऑन करोगे तो उसकी भी खुद की लाइट होगी, या फिर आपने जैसे मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की तो इनकी खुद की लाइट होगी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। सो दीज आर दोज ऑब्जेक्ट विच हैव देयर ओन लाइट आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल सन, सनलाइट, और बल्ब, और टॉर्च बल्ब, और फ्लैश लाइट ऑफ योर फोन। इसी तरह सेकंड क्या होगा? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होंगे जिनकी खुद की लाइट नहीं होगी, जो कि जिनको हम किसकी हेल्प से, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की हेल्प से देख पाएंगे। सो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? दीज आर दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट बट वी कैन सी दीज ऑब्जेक्ट्स बाय लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम विद द हेल्प ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं क्या मेरी खुद की लाइट है या बोर्ड की खुद की लाइट है, हम इनको कैसे देख रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट और विद द हेल्प ऑफ बल्ब। तो बल्ब या सनलाइट यहाँ पर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गए, और जितने भी ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं वो क्या हो गए हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गए हैं। तो सेकेंड टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होगा? इन विच लाइट कैन पास इजीली, जिनके अंदर से लाइट इजीली पास हो सके, या फिर हम सिंपल शब्दों में बोलेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होंगे? जिनके अगर हम उनके थ्रू ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करते हैं तो हमें क्लियरली ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। जैसे ग्लास है, सिंपल ग्लास है, ग्लास का आपने डोर देखा होगा, जिनके हम आर पार क्लियरली देख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मीन्स इनके अंदर से लाइट इजीली पास हो गई है, लाइक ग्लास या फिर वाटर है। अगर हम वाटर में, क्लियर वाटर में हम अपना फेस देखेंगे तो वो फेस हमें, मतलब हमें अपनी इमेज इजीली दिखाई देगी, तो वो वाटर भी किसका एग्जांपल हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट का एग्जांपल हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल क्या हो जाएगा? ट्रांसल्यूशेंट। अब ट्रांसल्यूशेंट क्या है? इनमें से हम ऑब्जेक्ट को देख तो सकते हैं बट क्लियरली दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इनमें से लाइट पास तो हो जाएगी बट 100% पास नहीं हो पाएगी, तो धुंधला दिखाई देता है। तो जो भी ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल हमें क्लियरली ऑब्जेक्ट को दिखाई, जिन अगर लाइट उनमें से पास होती है तो हम उन ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, मीन्स थ्रू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट बट नॉट क्लियरली। जिनमें से हम लाइट पास तो हो सकती है या फिर हम ऑब्जेक्ट को देख तो सकते हैं बट क्लियरली नहीं देख सकते। जैसे क्या, बटर पेपर हुआ या टिश्यू पेपर हुआ, आप टिश्यू पेपर को यूज़ करके देखना, सेकेंड जो उसके थ्रू ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम देखेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट को दिखाई देगा बट वो क्लियरली दिखाई नहीं देगा। थर्ड इज ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होगा? जैसे मैंने अपना हैंड अप्लाई कर लिया, हैंड यहाँ सेट कर लिया, और मैं इसकी दूसरी तरफ की इमेज अगर मैं देखूंगी तो क्या मुझे इमेज दिखाई देगी? नहीं देगी। तो ये क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट। या मैंने कोई कॉपी रख ली है, उसकी कॉपी की दूसरी तरफ अगर मैं ऑब्जेक्ट को देखूंगी तो क्या है, हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देगा। तो ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जिनके अंदर से लाइट पास हो ही नहीं सकती है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये बोर्ड है, अगर मैं उस तरफ खड़ी हो जाऊंगी तो मुझे बोर्ड के लेफ्ट साइड वाले, इस कॉर्नर वाले ऑब्जेक्ट मुझे क्लियरली नहीं दिख पाएंगे, या फिर मैं अगर इसके आगे खड़े हो जाते तो आपको इसके पीछे जितने भी वर्ड्स लिखे हो वो आपको दिखाई नहीं देंगे। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? ओपेक ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल्स है। नाउ शेडो। शेडो क्या है? अगर एक ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के सामने आ जाता है, जैसे ये लाइट है, अगर इसके सामने मैं खड़ी हो जाऊंगी तो मेरी एक शेडो बन जाएगी। तो शेडो क्या है? इट इज डार्क स्पेस बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे एक ये क्या है? डार्क स्पेस है, उसको हम
क्या कहेंगे, शेडो कहेंगे. सो इट इज फॉर्म्ड और वी विल डिफाइन द शेडो एज इट इज डार्क स्पेस बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड बाय द ऑब्जेक्ट. मींस अगर मैं इसके सामने खड़ी हो जाऊंगी तो मैं लाइट को ब्लॉक कर दूंगी और आगे मेरी इमेज बनेगी, मींस एक शेडो बनेगी. तो वो क्या है, शेडो. नाउ शेडो की प्रॉपर्टीज, कुछ एक प्रॉपर्टी के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं. शेडो कब बनती है, जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के सामने आ जाता है और जो शेडो की जो शेप होगी या साइज होगा वो कैसे, क्या हमेशा सेम रहेगा. आपने देखा होगा जब आप सनलाइट में या फिर बल्ब लाइट या ट्यूबलाइट के आगे आप खड़े हो जाते हो तो आपको अपनी इमेज दिखाई देती है. जब आप उससे दूर जाते हो तो आपकी इमेज छोटी होती जाती है और जब आप लाइट सोर्स के बिल्कुल पास आओगे तो इमेज बड़ी होती जाएगी, मीन शेडो बड़ी होती जाएगी. और शेडो कैसी होती है, ब्लैक होती है हमेशा. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इमेज एंड शेडो, जो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो शेडो कैसी होगी, शेप एंड साइज ऑफ शेडो चेंजेस विद डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लाइट सोर्स. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा पिनहोल कैमरा. पिनहोल कैमरा क्या है, देयर इज एन इंटरेस्टिंग पिनहोल कैमरा इन आवर नेचर. हमारे नेचर एक पिनहोल कैमरा की तरह कैसे काम करता है, मीन्स हमारे नेचर में भी एक पिनहोल कैमरा है. आपने देखा होगा जब भी आप ट्रीज के नीचे से जाते हो तो आपने सनलाइट को सनलाइट जब ट्रीज की लीव्स में से पास होती है तो उनकी छोटी छोटी इमेजेस ग्राउंड पर बन जाती है. तो जो ये सनलाइट लीव्स के बीच में से, मीन्स लीव्स के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ से जब पास होती है तो जो ये स्पेस है ये किसकी तरह काम करता है, एक पिन होल कैमरे की तरह काम करता है. इसको हमने पिन होल कैमरा ही क्यों कहा, क्योंकि लीव्स के बीच में जो छोटे छोटे स्पेस है वहाँ से सनलाइट आ रही है तो वो छोटे स्पेस किसकी तरह काम कर रहे हैं, पिन की तरह काम कर रहे हैं. और कैमरा क्यों बोला है, क्योंकि जो सनलाइट है वो उससे पास हो रही है. तो पिन होल कैमरा क्या है, देयर इज एन इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा इन आवर नेचर. पहले हम अपने नेचर वाले पिन होल कैमरा के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम एक एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे कि हम पिन होल कैमरा को कैसे बना सकते हैं. तो पिन होल कैमरा में क्या है, When we pass under a tree covered with large number of leaves, we notice small patches of sunlight under it. जैसे मैंने यहाँ एक इमेज ड्रॉ कर रखी है इसकी ट्री की, जब सनलाइट इससे पास होती है तो ट्रीज के लीव्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ से भी लाइट पास होगी और उसकी इमेज कहाँ, ग्राउंड पर छोटी छोटी उसकी इमेज बन जाती है. तो जो ये है, जो लीव्स के बीच में जो स्पेस है वो किसकी तरह काम करेगा, पिन होल कैमरा की तरह वर्क करेगा. तो हमें क्या मिलेगी, सर्कुलर इमेजेस आर पिन होल इमेजेस ऑफ सन. नाउ हम पिन होल कैमरा की एक्टिविटी करेंगे, मीन्स हम यहाँ पर पिन होल कैमरा कैसे बना सकते हैं. आप क्या करोगे, एक बॉक्स ले लोगे रेक्टेंगल और मे बी स्क्वायर शेप, उसका जो एक एंड होगा उसको हम कट कर देंगे जैसे कि यहाँ मैंने दिखा रखा है, और वहाँ पर मैं क्या पेस्ट कर दूंगी, ट्रेसिंग पेपर पेस्ट कर दूंगी. ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक होल, यहाँ पर एक होल मैंने ड्रॉ कर लिया है, मीन्स एक होल छोड़ दिया है बीच में से. ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ये रे है, जैसे ही सनलाइट इस पे गिरेगी स्ट्रीप, जैसे मैं कोई भी ट्री है या कोई भी ब्राइट ऑब्जेक्ट है हम उसको देखने की कोशिश करेंगे. तो मैंने यहाँ पर एक ट्री का एग्जांपल ले लिया. सपोज जो ट्री से जो लाइट जा रही गुजरेगी, यहाँ से जो पास आउट होगी इस होल से इसमें और बॉटम और अपर सरफेस से, और जब हम इसकी इमेज को इस पिन होल कैमरा में इस ट्रेस पेपर पे देखेंगे तो हमें इसकी इमेज कैसी दिखाई देगी, स्मॉल इन साइज और उल्टी दिखाई देगी, मींस इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी. तो ये हमारा पिन होल कैमरा हो गया है. पिन होल कैमरे में बेसिकली हमने क्या किया, एक स्क्वायर रेक्टेंगल शेप का बॉक्स लिया, एक साइड उसकी होल कर दिया, दूसरी साइड पर उसका जो एंड वो कट करके वहाँ पे मैंने ट्रेस पेपर को पेस्ट कर दिया है. और जब हम यहाँ से किसी भी ब्राइट ऑब्जेक्ट लाइक मैंने यहाँ पर ट्री ले रखा है उसकी इमेज को अगर हम देखेंगे तो हमें कैसी इमेज दिखाई देगी, कलर स्मॉल साइज और उल्टी मीन्स इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी, जैसा कि मैंने यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है. तो हमें इस ये पॉइंट होल जो होगा टूवर्ड्स ब्राइट ऑब्जेक्ट लाइक ट्री, वी विल सी एन इन्वर्टेड स्मॉल साइज एंड कलर इमेज ऑन दिस ट्रेसिंग पेपर. सो
नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन एंड मिरर। अगर हम बेसिकली सिंपल रिफ्लेक्शन के बारे में देखें, जैसे ही सनलाइट मान लो सपोज इस पर है, अगर लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर गिरती है तो वो 100% क्या है, मतलब 100%, या फिर हम सिंपल शब्दों में बोलेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस तो उसका कुछ पार्ट बाउंस ऑफ हो जाता है, तो जिससे क्या होगा, लाइट का रास्ता बदल जाएगा, लाइट का पाथ बदल जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। दिस बाउंस ड्यू टू बाउंसिंग ऑफ ऑफ पाथ ऑफ लाइट, लाइट चेंजेज इट्स डायरेक्शन, इट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। जैसे मैंने एक प्लेन ग्लास सरफेस ले लिया, अगर उस प्लेन ग्लास सरफेस पर लाइट हम डालेंगे तो लाइट पूरी की पूरी उससे पास हो जाएगी, रिफ्लेक्ट मीन्स टकरा कर वापिस नहीं आएगी। तो अब मैंने क्या किया, उस ग्लास सरफेस को मैंने पेंट कर दिया, जैसे हमारा घरों में सिंपल मिरर होता है वो ले लिया मैंने। तो मिरर में जब हम अपनी फोटो देखते हैं, इमेज देखते हैं, तो हमें क्लियरली दिखाई देती है, वो किस वजह से दिखाई दी है, रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई दी है। रिफ्लेक्शन की वजह से कैसे दिखाई दी है, कि जो पॉलिश्ड सरफेस होगा वो बाउंस ऑफ कर देगा लाइट को, मीन्स लाइट का रास्ता बदल देगा, लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देगा। तो मिरर क्या है, मिरर या फिर पॉलिश्ड सरफेस क्या है, बेस्ट रिफ्लेक्टर होते हैं। ओके, सो अब हम आप क्या करना, इन पे बेस्ड एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है वो ट्राई करना और इन बेसिक टॉपिक्स को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। ओके, थैंक यू।